आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रहा है, लेट अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने के पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अपने के पास रूट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। सच डैट इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा, लेट ए कॉमा बी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 3। अपने के पास ए और बी इंटीजर है लेकिन वो 3 से डिविजिबल वाले इंटीजर नहीं है। एन बी द, यहाँ पे अपने के पास एन के बारे में कमेंट दे रखा है, एन बी द नेचुरल नंबर, एन अपने के पास क्या एक नेचुरल नंबर है, सच डैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास किसके बराबर, इसके बराबर है। आयोडा अपने के पास दे रखा है अंडर रूट -1 के बराबर। देन द एन प्लस ए प्लस बी, एन प्लस ए प्लस बी किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट 6x प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। इनके दो रूट्स हैं, ये अपने के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके इनके कितने रूट्स हैं, दो रूट्स। एक रूट तो अपने के पास क्या अल्फा और दूसरा रूट्स आपने के पास किसके बराबर है, बीटा के बराबर। ये हमने करे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या इनके रूट्स है, अल्फा और बीटा डायरेक्ट निकाल लेते हैं बाय श्रीधर चार्ज फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे माइनस बी यानी रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी मतलब आपने के पास किस बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आपने के पास यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे तो 6 और यह आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस टाइम्स 4ac यानी 12 के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। किसी को एतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 6, स्क्वायर रूट ऑफ क्या माइनस रूट 6 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए रूट 6 और अपॉन में 2 जैसे कॉमन ले लेंगे, ये आ गया अपने के पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के बराबर। और माइनस 1 के बारे में कमेंट कर रखा है, ये किसके बराबर, आयोडा के बराबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6 और अपॉन में 2 के बराबर और 1 प्लस माइनस किस बराबर जाएंगे, आयोडा के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये अपने के पास इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने के पास अल्फा के बारे में बताइए, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास किस बराबर, तो रूट 6 और अपॉन 2 के बराबर आया ना, और इन टू आ गया अपने के पास 1 प्लस आयोडा के बराबर। किसी को कोई एतराज, और यहाँ से अपने के पास बीटा इक्वल टू जो हो जाएंगे वो अपने के पास किस बराबर रूट 6 और अपॉन 2 और यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 1 प्लस माइनस यानी 1 माइनस आयोडा के बराबर। किसी को कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अल्फा इक्वल टू ये आ गया और बीटा इक्वल टू ये आ गया। एक चीज अगर यहाँ पर आप काम करेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अल्फा की पावर 99 है और बीटा की पावर, अल्फा की पावर 98 है। बीटा को अगर आप यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कन्वर्ट कर लीजिए। अल्फा को आपको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको अपने के पास कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में खैर है ही, तो इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि हायर पावर कहाँ पर अपने के पास सॉल्व करने में आसानी होता है, यूलर्स फॉर्म में। अब यहाँ से अपने पास अल्फा बताइए, इसको यूलर्स फॉर्म में आए यहाँ, अब यहाँ से अपने पास अल्फा बताइए। अल्फा बताने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले मॉडुलस बताइए। मॉडुलस अपने पास मॉड जेड, मॉड जेड अपने पास यानी यही तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बताइए, तो यह आ गया अपने पास 6/4 और प्लस टाइम 6/4 के बराबर, ये अपने पास मॉड आ गया और इनटू ई की पावर में आयोडा। इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स और वाई ये आयोडा और ये इमेज रियल पार्ट का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, यानी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे π/4 के बराबर। हाँ या ना, इनको सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 6 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 के बराबर और इंटू अपने पास ई की पावर में किस बराबर आ जाएंगे, आयोडा π/4 के बराबर। या गया 2 × 3 यानी आ गया किस बराबर, √3 ई की पावर में आयोडा π/4 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास अल्फा किसके किसकी में किस फॉर्म में आ गया, तो यूलर्स फॉर्म में आ गया। जब अल्फा यूलर्स फॉर्म में आ गया तो बीटा को भी अपने पास सिमिलरली यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, या अपने पास √3 और इंटू ई की पावर में किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आयोडा π/4 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, देख लीजिए ये अपने के पास ये क्वाड्रेंट अगर आप देखेंगे तो ये अपने के पास कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने के पास किसके बराबर हो जाता है, आर्गुमेंट माइनस टाइम्स हो जाता है। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, बीटा के बराबर। अल्फा ये आ गया और बीटा अपने के पास ये आ गया। जब अल्फा और बीटा आ गया, इसमें अपने के पास वैल्यू चिपकाइए और यहाँ से अपने के पास वैल्यू निकालिए, यहाँ पर जगह है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो बताइए अल्फा की पावर 99/बीटा, अल्फा की पावर 99 और अपॉन में बीटा के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा की पावर 98 के बराबर इक्वल टू अपने के पास किस बराबर है, तो 3 की पावर n इंटू अपने के पास दे रखा है ए प्लस आयोडा बीटा, ए प्लस आयोडा पी के बराबर। अब अपने के पास इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए एल एच एस को हम आर एच एस के बराबर बनाते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, किसको, तो कॉपी कर लेते हैं हम इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को जैसे ही हम कॉपी करेंगे तो यहाँ से अपने के पास इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास, बताइए इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ई के पावर में
98 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अल्फा की पावर में 98 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 98 कॉमन लेंगे तो अपने क्या सिक्स आ जाएंगे, अल्फा अपॉन बीटा के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने क्या सिक्स आ जाएंगे तो 1 के बराबर। इसको कोई इतराज यहाँ पर अपने क्या अच्छा लग नहीं रहा, थोड़ा सा सुंदर भी तो लगना चाहिए, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अपने क्या जैसे सॉल्व करेंगे तो इक्वलिटी किस आ जाएंगे, तो अल्फा की पावर 98, अल्फा है क्या, यहाँ से अपने के पास रूट थ्री समथिंग, यहाँ से आ गया अपने पास रूट थ्री और इंटू अपने क्या ई की पावर में आयोडा पाई बाई फोर, इन पूरी के पावर में आपने क्या सिक्स बराबर आयोडा पाई बाई फोर और इन पूरी के पावर में आपने क्या सिक्स बराबर देगा 98 के बराबर, हाँ या ना, और इंटू आपने क्या अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा और होल अपॉन में आपने क्या सिक्स बराबर देंगे बीटा के बराबर, जो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने क्या रूट थ्री की पावर में आ गया 98 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू ई की पावर में किस बराबर जाएंगे तो 98 आयोडा पाई बाई फोर, आयोडा किसके बराबर जाएंगे पाई बाई फोर के बराबर, हाँ या ना, यह आ गया इसके बराबर। और मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या बताइए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा इनके रूट सी, तो सम ऑफ जीरो रूट सिक्स डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये किस बार आ जाएंगे रूट सिक्स के बराबर और होल अपॉन में आपने क्या किस बार आ जाएंगे तो बीटा के बराबर, बताइए यहाँ से आ गया अपने क्या होल अपॉन में बीटा, बीटा है किसके बराबर तो बीटा है ई की पावर में रूट थ्री इंटू आयोडा, ई की पावर में रूट थ्री, यहाँ से आपने क्या बताइए रूट थ्री इंटू ई की पावर में आयोडा पाई बाई फोर के बराबर, लेकिन वो भी माइनस टाइम बराबर। यहाँ पर देखो ये दोनों बेस सेम, पावर अपने के पास एट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने कैसे बराबर हो जाएंगे रूट सिक्स, रूट सिक्स को अपने कैसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो अपने कैसे रूट थ्री से, तो यहाँ से अपने कैसे क्या बचेगा रूट टू आ जाएगा, यहाँ से आ गया अपने कैसे रूट थ्री और इनकी पावर में 98, रूट थ्री की पावर 98 अपने कैसे क्या ले सकते हैं तो थ्री के पावर में टू से डिवाइड कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास चार और यह आ गया अपने के पास दो नंबर 18 यानी 49 के बराबर, इंटू ई की पावर में किस आ जाएंगे तो 99 आयोडा पाई बाई फोर के बराबर, क्योंकि बेस सेम है, पावर आपने के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू यहाँ से आपने कैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट टू टाइम्स में, ये आ गया अपने कैसे रूट टू के बराबर। अब आपने कैसे इसको इस फॉर्मेट में ले जाना है, तो ऐसे भी एन पता चल गया कि आपने के पास इसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास थ्री की पावर 49 के बराबर और इनटू ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे तो 99 पाई बाई फोर आयोडा के बराबर, हाँ ना, और इनटू रूट टू, रूट टू हम यहीं पर लिख देते हैं, तो अपने क्या कीजिए इसको हटा दीजिए और यहाँ से अपने क्या रूट टू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से अपने क्या ये इसके बराबर है। अब अपने क्या इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम किस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, इसको अपने के पास ये यूलर्स फॉर्म की जगह पोलर्स आइडेंटिटी में ले जा रहे हैं, तो ई के पावर थ्री के पावर में आ गया किसके बराबर 49 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू और इंटू अपने क्या किस तरह जाएंगे तो कॉस किसके बराबर तो 99 पाई बाई फोर के बराबर और प्लस टाइम्स अपने क्या बताइए तो प्लस टाइम्स आयोडा साइन 99 पाई बाई फोर के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने कैसे इसके बराबर। और इसको अपने कैसे क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर दें, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे, इसको तो अपने कैसे अलग ही रखने दीजिए, तो थ्री की पावर में किस तरह आ जाएंगे 49 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू और इंटू अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई रूट टू और इंटू यहाँ से अपने कैसे क्या कहते हैं कॉस, इसको लिख सकते हैं क्या 100 पाई और माइनस टाइम्स अपने कैसे पाई बाई फोर के बराबर, नहीं 100 पाई और माइनस टाइम्स नहीं 100 पाई, तो अपने के पास 25 चौका 100 25 पाई लिख लीजिए किस तरह आ जाए तो 25 पाई और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो पाई बाई फोर के बराबर, देख लो ये आ गया इसके बराबर। और प्लस टाइम्स अपने के किस तरह आ जाएंगे तो आयोडा, बताइए आयोडा साइन 25 पाई नॉट 2 पाई 25 पाई और माइनस टाइम्स पाई बाई फोर के बराबर, ये देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने के पास इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ से अपने के पास ओपन ब्रैकेट ही क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने का थ्री के पावर में 49 मल्टीप्लाइड बाय, अब कैलकुलेशन है रूट टू और इंटू अपने का कॉस 25 पाई माइनस टाइम्स पाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे तो देख लो ये अपने के पास हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस देता है तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट टू के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स आयोडा और अपॉन में रूट टू के बराबर, और ये भी अपने का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ से अपने के पास साइन किसके बराबर देगा तो ये भी अपने के पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी ये पॉजिटिव होता है, यहाँ से अपने के पास कुछ तो गया, चलो सुकून तो मिला, ये दोनों गया, यहाँ से आ गया अपने के पास थ्री की पावर में 49 और इंटू आ गया माइनस 1 और प्लस टाइम्स आयोडा के बराबर, हाँ या ना, ये अपने के पास इसके बराबर है। अब ये किसके बराबर है तो ये अपने के पास इसके बराबर है, तो इसको अपने के पास कंपेयर कर लेंगे किसके, तो यहाँ से बताओ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो थ्री की पावर एन इंटू ए प्लस आयोडा बी के बराबर, यही दे रखा है, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने के पास ए बताओ किसके बराबर, तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस 1 के बराबर, कॉमा बी इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर 1 के बराबर एंड सी इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर, सी नहीं बल्कि एन, एन अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे तो 49 के बराबर, यहाँ से अपने के पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, वैल्यू पूछ रखा है ए प्लस बी प्लस
एन प्लस ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करा देंगे, 49 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 1, 49 बताओ अबे क्या हो गया, ठीक है। ये आ गया आपने क्या करा, 49 माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया आपने क्या करा, फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो आपने क्या करा देंगे 49 के बराबर। यही है यार, क्या बकेती है यहाँ पर। खैर यहाँ पर क्या फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 49 के बराबर, ये देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास ए प्लस एन प्लस ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, तो ठीक है एन प्लस ए प्लस बी निकालिएगा तो ये आपने क्या किस तरह आ जाएंगे फुल एंड फाइनल 49 के बराबर। तो ये थे आपने के जे मेंस के 29 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और अपने के पास कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स एकदम बढ़िया सवाल था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।